आपको बता रहा हूँ मैं, आप मंत्री आ रहे हैं तो सफेद वाला लाइनिंग हो गया है, जहाँ जहाँ पैच वर्क सुना चाहिए था वहाँ पैच वर्क कर दिया। पूरा करो ना यार, तुम्हारे पास पैसे की तो कमी है नहीं, क्यों नहीं करते हो पूरा? ये हालत है, पैसे की तो कमी है, जुगाड़ कर रहे हैं बाबा। जो भी थोड़ा बहुत पैसा है जहाँ का जरूरत है वहाँ पे कर दिया जाए। ये पैच वर्क करके चले जाते हैं, महिंद्रा वाला 6 गाड़ी लेके सवेरे शाम चलता है, ओल्ड मोटर स्टैंड से लेके इस नए वाले मोटर स्टैंड में उखाड़ के उजाड़ के ले जाता है। यह बात कोई देखने थोड़ी आता है। जो टेक्निकल चाहिए सड़क में कि इतना मोटा होना चाहिए, इतना खुदा होना चाहिए, इतना फलाना होना चाहिए, कोई मेजरमेंट लेता है? कोई मेजरमेंट देता है क्या? टेक्निकली कौन मोहल्ले का आदमी है जो जाके बताए? यहाँ देखिए ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, किंतु देखिए और दूसरे जगहों में कुछ ऐसे मेडिसिन वाले हैं जो बराबर काम करते हैं। जो काम नहीं करते हैं उनके यहाँ देखिए ओल्ड मेडिसिन वो भी चल रहा है, एक्सपायर हो गया वो भी चल रहा है, अरे अरे वो भी उसको देखता है ऐसे का। ये गलत चीज है बाबू, ये गलत हो रहा है। 20% जो आदमी लोगों को मुआवजा, अरे उसमें देना चाहिए, कंसेशन देना चाहिए, दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है, हमारे यहाँ मेडिसिन वाले क्यों नहीं? कौन से कंसेशन अभी बढ़ गए? फिर उसके बाद नहीं, अभी नहीं बढ़े बाबा, बहुत जमाने से बढ़े हैं। ये पेंडिंग केस वहाँ पर पड़ा हुआ है और कोई नहीं देखने वाला। कभी शिवानी जायसवाल यहाँ आ जाती है 15 के लिए, कभी 15 के लिए उदयपुर चली जाती है। आम आदमी कहाँ जाएगा बाबा, किसको बोलेगा? आपके प्रतिनिधि यहाँ रहते हैं, अरे कहाँ यार, तुझे बात करता है, जब आप बाबा से मिले। आप भी तो हैं प्रतिनिधि? नहीं, हम नहीं, मेरे नहीं है प्रतिनिधि। हम अगर रहते तो फिर ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, बन जाइए बन जाइए। म्यूनिसिपल का देखिए आप, म्यूनिसिपल का ये हालत है कि हमारे मोहल्ले में जाके देखिए, जो नाली के ऊपर शक्ति लगा रहता है जिससे बदबू आती है, उसको मैं 50 बोल चुका हूँ। ये माननीय महोदय यहाँ बैठे हैं मेयर साहब, इनको स्वतः में जाके बोला हूँ कि भैया लगा दीजिए, बड़ा दुर्गंध आता है यार। पंडित जी कौन सा बता रहे हैं? दीपन देख लीजिए, नाली कभी साफ नहीं होता, आप विश्वास नहीं करेंगे। आधा को साफ करते हैं और आधा तो बिना साफ किए चले जाते हैं, कौन करेगा बाबा? ये देखना चाहिए ना। हम अगर आपके लिए अगर कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे, अरे यार देखा ना, हर साल हफ्ता में बोलते हैं कि ओ, तकनीकी खराबी होने के कारण विद्युत लाइन इतना से इतना उधर बंद रहेगा, तो पानी कब पिएंगे? जब बंद ही रखोगे तो क्या करना है? इंजीनियर्स ये बोलते हैं कि अरे भैया हटाओ, अब आप ऊर्जा मंत्री हो गए हैं तो अब देखिए लाइट थोड़ा थोड़ा आना चालू हो गया।